वर्कर्स इकट्ठे होकर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट आए हैं इस मकसद के लिए कि हमारे महकमे को ख़त्म किया जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जी पाक पी डब्ल्यू डी को वाइंड अप कर दें। तो पाक पी डब्ल्यू डी एक जो है वफाकी अदारा है और असम्बली से बाकायदा तौर पर इसकी अप्रूवल है और ये एक बहुत पुराना अदारा है। और पीपल्स सेक्रेटेरिएट आज हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी मजदूरों के साथ जो है वो यकजहती का इजहार किया है और मजदूरों को बहुत कुछ दिया है। तो आज हम इधर पीपल्स सेक्रेटेरिएट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो स्लोगन था रोटी कपड़ा और मकान, तो आज हमसे जो है वो रोटी छीनी जा रही है, हमारी छतें छीनी जा रही हैं। तो आज हम ये उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है इसके ऊपर वज़ीर आज़म के फैसले के ऊपर एडवर्स एक्शन लेगी और इंशाल्लाह हम पीपल्स पार्टी से पुरउम्मीद हैं कि वो हमें जो है वो हमारे रोटी कपड़ा और मकान का जो स्लोगन है वो हमारे पास रहने देगी। और हम ये पुरउम्मीद है कि अगर किसी से हुकूमत नहीं चल रही और वो अदारे ख़त्म करने पर आ गए हैं तो हम पीपल्स पार्टी से पुरजोर मुतालबा करते हैं जी कि आप हुकूमत इनसे ले लें, इनसे हुकूमत नहीं चलती, ये ज़हनी मरीज बन चुके हैं और अब ये मजदूरों से मेहनत कशों से मुंह से नवाला भी छीन रहे हैं और छतों से घरों से घरों की छतें भी हमसे ये छीनना चाह रहे हैं। तो हमारी ये पुरजोर मुतालबा है कि जी हमारे मुँह से नवाला ना छीना जाए और हमें जो है वो छत जो हमारे सर के ऊपर है उसको रहने दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने चंद दिन पहले एक आर्डर इशू किया है कि पाक पीडब्ल्यूडी को ख़त्म किया जाए, तो हुकूमतें अदारे बनाती हैं ख़त्म नहीं करती। अगर महकमे में कोई कमी बेशी है तो उसको बेहतर तरीके से हल किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। जैसा कि पाक पीडब्ल्यूडी में तकरीबन 7 से 8 हज़ार मुलाजमीन काम कर रहे हैं और रेड जोन मुकम्मल तौर पे पाक पीडब्ल्यूडी उसकी मेंटेनेंस कर रहा है, चाहे वो सिविल के काम हो चाहे इलेक्ट्रिकल ईएम के काम हो। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये देखना चाहिए कि उसमें जजेस, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, जजेस रेस्ट हाउस, फेडरल लॉजिस और जितने भी रेड जोन के असास इदारे हैं उन सब में पाक पीडब्ल्यूडी के वर्कर काम कर रहे हैं और उनके शाना पशाना आगे पीछे उनके साथ होते हैं, वो इनकी लिफ्टें चलाने वाले, इनके वाशरूम साफ करने वाले, इनके सफाई करने वाले और इन इदारों में जितने भी छोटे से लेकर बड़े लेवल तक काम होते हैं वो सब पाक पीडब्ल्यूडी बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। तो पाक पीडब्ल्यूडी में 8 हज़ार वर्करों का ये जो खून चूसा जा रहा है, उनको शदीद ज़हनी तौर पर मफलूज किया जा रहा है, तो इस चीज़ को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब को ये फ़ैसला अपना वापस लेना चाहिए और महकमे की बेहतरी के लिए कोई ना कोई और स्टेप लेना चाहिए। जैसा कि हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया करप्शन का, तो मैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछता हूँ कि करप्शन किस अदारे में नहीं है? तकरीबन पाकिस्तान के 90% अदारों में करप्शन पाई जाती है। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस से करप्शन ख़त्म करनी चाहिए और उसके बाद रहीम देखें जी, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो पाकिस्तान के माथे का झूमर रहा, आज उसको ये गवर्नमेंट औने पौने बेचने के चक्कर में है। इस पे आज लेबर ब्यूरो में चौधरी मंजूर की क़यादत में एक लेबर इजलास हुआ जिसके अंदर तय हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करेगी और बतौर लेबर प्रेसिडेंट या लेबर यूनियन पीआईए के अंदर हम इस प्राइवेटाइजेशन को, इस निजकारी को मुस्तरद करते हैं। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के इस एसेट्स को औने पौने बेचा जा रहा है और इसमें चोरी नहीं डाका डाला जा रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीम हम अपने ये तमाम जो लेबर तंजीमें ये मुतहद होकर इस गवर्नमेंट को इसका रास्ता रोकेंगे ताकि पाकिस्तान का ये जो एक अजीम असासा है, जो पाकिस्तानी कौम की अमानत है, इसको बर्बाद होने से बचाया जा सके और इस प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हम भरपूर एहतजाज करें। मजदूर की सरबराही में लेबर ब्यूरो, पीपल्स पार्टी लेबर ब्यूरो की एक इजलास हुआ जिसमें तमाम लेबर तंजीमों को बुलाया गया, जिसमें रेलवे, वापडा, पी डब्ल्यू डी, सिविल एविएशन, पी आई ए, आज एक मुत्तफ़िका अलैह ये फैसला हुआ है कि 12 तारीख को तमाम जो ये इदारे हैं जिनको ये औने पौने बेचा जा रहा है, इनके तमाम एम्प्लाइज़ एहतजाजन आके पार्लियामेंट के सामने एहतजाज देंगे और जब तक हुकूमत इस फैसलों को वापस नहीं लेती वो एहतजाज जारी रहेगा और इंशाअल्लाह जमहूर की ताकत और मजदूर की ताकत के सामने बड़े से बड़ा फ़िरौन भी टिक नहीं सका और मुझे उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट भी अपने घुटने टेकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम खालिद महमूद है और मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ
जॉइंट एम्प्लॉज यूनियन ऑफ सिविल एविएशन का। आज हम पीपल लेबर ब्यूरो में इकट्ठे हुए थे चौधरी मंजूर साहब की सरबराई में और सैयद नदर हुसैन शाह जो सेंट्रल पंजाब के पीपल लेबर ब्यूरो के सदर हैं। एक हंगामी मीटिंग निजकारी और आउटसोर्सिंग के हवाले से कॉल की गई थी जिसमें निजकारी के शिकार महकमों के तमाम यूनियन कायदीन को बुलाया गया था। इसमें यह फैसला हुआ है कि हम लोग 11 तारीख से अपनी एहतजाजी मुहिम शुरू करेंगे और 12 तारीख को जो भी महकमे हैं, इसमें PIA भी है, सिविल एविएशन भी है, PWD भी है, रेडियो पाकिस्तान के लोग भी हैं और वापडा के लोग भी हैं, वो सब मिलकर एक मजबूत एहतजाज करेंगे पार्लियामेंट हाउस के सामने और गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि इन कीमती असासों को, इन कीमती महकमों को फरोख्त ना किया जाए और आउटसोर्सिंग के नाम पर सिविल एविएशन के ऊपर हुकूमत को डाका मारने की कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम पीपल पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब के, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और पाकिस्तान पीपल लेबर ब्यूरो के जो सदर हैं चौधरी मंजूर, उनके अज हद मशकूर हैं कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, हमारी आवाज़ बने और इंशाल्लाह इनकी सरबराई में और पाकिस्तान पीपल पार्टी की सरबराई में हम इन इदारों को इस तरीके से लूट मार से और डाका जनी से बचाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म पर तमाम इदारों के मजदूर हैं जो कि इदारे प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने PWD का एग्जीक्यूटिव आर्डर भी निकाल दिया है। PIA हो, सिविल एविएशन हो, रेडियो पाकिस्तान है, इनको हमारे इदारों से मोहब्बत नहीं है। हमारे इदारों के असासे हैं अरबों खरबों के, हमारी ज़मीनों पर ये लैंड माफिया कब्जा करना चाहती है। और आज जो चौधरी मंजूर साहब हमारे पीपल्स लेबर ब्यूरो के इंचार्ज हैं पूरे पाकिस्तान के, उनके एक कॉल पर तमाम लेबर तंजीमें इकट्ठी हुई और तमाम मजदूरों ने ये इत्तेफाक किया कि इंशाल्लाह इस हुकूमत के साथ हमने हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे, अपने इदारों को बचाएंगे कि पाकिस्तान हमारे मजदूरों का है, ये इदारे हमारे हैं। इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है, जैसे मेरे भाई ने अभी पहले इंटरव्यू दिया कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये भुट्टो का नज़रिया लेकर चल रहा है और अपने नाना की जो उसका मशहूर था रोटी कपड़ा और मकान और इदारे बनाए शहीद ज़ुल्कार अली भुट्टो ने, तो आज हम समझते हैं हम मजदूर जदोजहद के लिए निकलेंगे ताकि हमारे इदारे बच सकें, ये मुल्क बच सके, आपका आपके चैनल का, ताकि ऐवानों तक हमारी बात जाए। आपका बहुत शुक्रिया।